नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं टाइटैनिक के सिलसिले में और टाइटैनिक से जुड़ी दिलचस्प बातों को आज मैं बताने वाला हूं। दूरबीन की कमी भी इसे दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं था। बताया जाता है कि लॉकर में दूरबीन थी लेकिन उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले ही आइसबर्ग को देखा जा सकता था। टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का कार्य 31 मई 1911 को ख़त्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही दो लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि इस जहाज की इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज़ 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी से बिता सकें। आपको बताते कहते हैं कि लोग आइसबर्ग से जहाज टकराया था, वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड में अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्तों बाद ही आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहीं का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, -2 डिग्री। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनाया कर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनाई गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च किए गए थे। आपको बता दें कि ये एक ऐसा जहाज जो लोगों को हमेशा याद रहेगा और लोग इस जहाज के बारे में जानने में हमेशा दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। टाइटैनिक जहाज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा जाने वाला जहाज है। इसीलिए माना जाता है कि कोई भी समुद्री जहाज की अगर तुलना की जाती है, बहुत से लोग जो तुलना करते हैं वो टाइटैनिक जहाज से ही करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक लीजिए हिंद।